राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है, तो दोनों पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। बात करें मेवाड़ की, तो उदयपुर शहर है जो बीजेपी का गढ़ रहा था, वहीं गुलाब चंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद अब कांग्रेस भी यहां सेंध लगाने में जुटी हुई है। कांग्रेस के कई नेता जो उदयपुर में लगातार दौरा कर रहे हैं और बीजेपी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें जो इस बार कांग्रेस में ब्लॉक स्तर पर दावेदारों के आवेदन लिए गए हैं, उसमें महज उदयपुर शहर से ही 27 आवेदन सामने आए, जिसमें से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ है, उन्होंने भी उदयपुर से आवेदन भरा है। ऐसे में उनकी चर्चाएं तेज हो चुकी है। वहीं पवन खेड़ा, जिनका गृह जिला उदयपुर है, बताते हैं कि पवन खेड़ा उदयपुर से ही थे और उनका गृह जिला भी उदयपुर रहा, लेकिन पवन खेड़ा ने एक बयान जारी कर कहा कि वह उदयपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर वही एक और प्रवक्ता जो गौरव वल्लभ, जिनका गृह जिला जोधपुर बताते हैं और उदयपुर में उनका ससुराल है, लेकिन उन्होंने उदयपुर से आवेदन भरा है, ऐसे में उनकी चर्चाएं तेज हो चुकी है। वहीं जो यहाँ के दावेदार है, जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, वह भी इस तरह और आगे पीछे हो रहे हैं कि अगर बाहरी को मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आएगी। जहाँ एक तरफ गौरव वल्लभ तो दूसरी ओर स्थानीय कार्यकर्ता, अब किसको मौका देती है कांग्रेस पार्टी, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर गौरव वल्लभ को मौका मिलता है तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, वह नाराज भी हो सकते हैं, और अगर गौरव वल्लभ को मौका नहीं मिलता है तो शायद कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्हें कहीं ना कहीं नाराजगी मिल सकती है। एक तरफ कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब मौका किसको मिलता है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कांग्रेस की चर्चाएँ हैं उदयपुर में, जैसे ही गौरव वल्लभ के उदयपुर में दौरे शुरू हुए थे, गौरव वल्लभ लगातार उदयपुर में मीटिंगें ले रहे थे, बैठकों में शामिल हो रहे थे, तो उनकी चर्चाएं तेज हो चुकी थी। और अब जिस तरह से गौरव वल्लभ ने उदयपुर में आवेदन भरा है, तो इससे और उदयपुर में कांग्रेसियों में, अन्य पार्टियों में भी चर्चाएं तेज हो चुकी है। TV9 डिजिटल के लिए राजेश डांगी।